रहमान रहीम जी, मैं आज आया हूँ खान वाश पे, फरहाद खान के पास। मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ, ये मेरी जाती गाड़ी है, तो आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या हालत बनी है। और बहुत अच्छी ये सर्विस वॉश करते हैं, डिटेलिंग भी करते हैं। तो आए आपको पहले हालत अपनी गाड़ी की दिखाता हूँ, फिर इनको इनसे काम करवा के आपको दिखाएंगे कि कैसा ये फरहाद खान काम करता है। देखिए आप ये खड़े हुए हैं, ये भी पीको रोड पे हमारे बिल्कुल साथ ही। तो आए आपको काम इनका दिखाते हैं कैसे करते हैं। तो आए जी चलते हैं गाड़ी के अंदर, आपको दिखाते हैं कि गाड़ी की मेरी की हालत क्या है। कोई दोस्त लेके गया था गाँव में, तो ये देखे मिट्टी से भरी हुई है, पूरी हालत बनाई हुई गाड़ी, जैसे रेंट पे चलती है। तो फरहाद खान के पास मैं आया हूँ, नीचे से ये देखे क्या हालत है। तो ये ऐसे डिटेलिंग बना देंगे गाड़ी मेरी के, पूरा हाल बना हुआ है। हम लोगों को बातें करते हैं, मेरी अपनी गाड़ी का देखे क्या हाल बन गया है। तो ये इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ये ऐसे बना देंगे अभी। और इधर आए आपको अंदर से दिखाते हैं इंजन का क्या हाल है, जैसे मिट्टी में भरी हुई है गाड़ी। तो ये ऐसे गाड़ी सर्विस करेंगे कि इंशाल्लाह ये ऐसे लगेगी 0 मीटर गाड़ी है, क्योंकि मेरी सेंट्रो जाती गाड़ी है। तो मुझे सेंट्रो गाड़ी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने रखी है, क्योंकि ये मेरी दुकान का भी काम करती है और घर का भी काम करती है। मैंने कहीं आना जाना हो दोस्तों को भी मैं दे देता हूँ। तो आप गाड़ी की हालत देख रहे हैं आप, ठीक है जी। तो आए आपको इसका काम दिखाते हैं कि कैसे सर्विस वॉश और इंटीरियर वॉश करते हैं। तो ये खान साहब है, ये भी पीको रोड पे, इनका नंबर मैं नीचे दे दूंगा। अगर किसी दोस्त ने अपनी गाड़ी वगैरह डिटेलिंग करानी है तो इनसे आके करवा लें वॉश वगैरह। तो आए काम स्टार्ट करते हैं। तो अब ये देखें, सबसे पहले तो ये अच्छी तरह हवा लगाते हैं गाड़ी के अंदर का। हवा लगाने से ये होता है कि जो इसके मिट्टी है ना, सारी टोटल बाहर निकालेंगे। पहले मिट्टी लगा के ऐसे पूरा बाहर निकलेगी, फिर इसके बाद इसको फिर एक दफा हवा लगाएंगे ऐसे। ये देखें मिट्टी ऐसे निकल रही जैसे हनेरी आ रही है। तो अभी ये लगे हुए काम कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं साथ साथ सारा के कैसे मेरी गाड़ी वॉश होती है। और अगर आपने भी अच्छी गाड़ी इंटीरियर वॉश कराना है, सीटें वॉश करानी, तो खान साहब के पास आए। ये स्टार्ट हो रही है, मैंने अपनी गाड़ी का भी काम कराना था। ये देखें रंग वगैरह थोड़ा सा खराब हुआ है, इसका कलर सारा कराएंगे, क्योंकि ये उस्मानी परी है मेरी, तो उस्मानी परी को मैं तैयार कराऊंगा। मैंने इसको बहुत शौक से रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरी माशाल्लाह गाड़ी ऐसी है, अगर कोई देखता है तो कहता है यार वाकई सेंट्रो, ये टोटल जेन्युइन सेंट्रो है, 2007 मॉडल की। तो अब मैंने ये गर्मी स्टार्ट होगी, इसको थोड़ा थोड़ा काम करवाना है, इसके कुछ बम्पर वगैरह रिपेयर कराने हैं, कुछ और काम है। तो आए ये वॉश करा के फिर आगे वाला काम भी बताते कि क्या इसका मैं कराने जा रहा हूँ। तो ये देखें ये इंजन को ऐसे सर्विस करते हैं, लेकिन लोग डरते हैं, ठीक है। इंजन में पानी वगैरह नहीं मारते, इंजन को साफ नहीं करते। ये देखें मिट्टी गट्ठा ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ दोस्त मेरे से मांग के लेके गया था गाड़ी, तो बुरा हाल कर लाया। ये देखें तो इसको ये ऐसे साफ कर देगा कि जैसे अभी 0 मीटर होती है गाड़ी। तो ये भी आपको साफ साफ दिखाते हैं। ये अब देखें ऐसे ये केमिकल वगैरह फेंक देता, बेफिक्र हो गए। लोग डरते हैं कि सेंसर खराब हो जाएंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो खान साहब नहीं डरते, ये बहुत पुराने, मेरा 10 साल पुराना इनसे तल्लक है। ये ऐसे ही काम कर रहे हैं, इंजन में ऐसे ये देखे लगा रहे हैं जैसे ये ऊपर बॉडी के लगा रहे हैं, क्योंकि लोग डरते हैं सेंसर खराब हो जाएंगे, जी सेंट्रो पे हाईब्रिड गाड़ी है। तो खान साहब नहीं डरते, आप आए इनके पास, आपको काम करके देंगे तसल्ली से, और इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। अभी मैंने पहले हालत आपको दिखाई है, अभी वॉश हो रही है, तो इंशाल्लाह आपको गाड़ी दिखाऊंगा मैं साथ साथ। ये देखे कितने प्यार से ये सारा एक एक चीज को करते हैं वॉश। तो ये दिखाने का ये मकसद है कि खाली लोग पानी भी मार देते हैं। तो आपने खान साहब के पास आना है, काम कराना है, इंशाल्लाह आप मुतमिन होंगे। और मैं आपको जौन सा भी बंदा बताऊंगा, इंशाल्लाह प्रोफेशनल होगा, कोई भी गाड़ी रिलेटेड आपको जो भी मैं बताऊंगा, डेंटर पेंटर इलेक्ट्रिशियन, हर बंदा ऐसा होगा कि जो काम करने वाला है। फर्लू बंदे को नहीं मैं लेके आऊंगा। तो आए अभी आपको गाड़ी मुकम्मल करके इसी वीडियो में दिखाते हैं। अब हो गया जी प्रोसीजर, गाड़ी का पानी मार रहे हैं, सारी मिट्टी ऊपर ही है। देखे केमिकल इन्होंने बनाया हुआ है, शैम्पू बनाते हैं, शैम्पू के अंदर एक और भी चीज डालते हैं। यही गाड़ी ऐसे अपना देंगे कि जैसे 0 मीटर गाड़ी होती है। गाड़ी का कलर ऐसे लग रहा था जैसे सेट है, अब आज आरसी गाड़ी मेरी लगती है। तो जब मैं सर्विस करा लेता हूँ तो ऐसे ही लगती है कि जैसे ये 0 मीटर अभी आई है। और लोग कई मुझे कहते हैं कि यार बेचनी है आपने, तो ये काम मेरा शुरू हो गया। अभी आपको पूरा गाड़ी का रिव्यू देता हूँ मैं अपनी। ये मेरी जाती गाड़ी है भाई, लोग मुझसे पूछते हैं आप इतनी इतनी गाड़ियों में बैठे होते हैं, भाई मेरे पास ये गाड़ी है, ये मेरी जाती अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाम पे गाड़ी है। तो अभी सर्विस करवा के फिर अगला काम बताते हैं कि क्या मैं इसका करवाने जा रहा हूँ। ये देखे फ्रेश लगा हुआ है शैम्पू, फ्रेश पुड़िया वगैरह नहीं रखी, इसमें केमिकल मिलाया ऐसे गाड़ी, यकीन माने। ये देखे अभी इसको पानी नहीं लगाया तो ऐसे लग रहा है जैसे 0 मीटर गाड़ी होगी।
तो हम चलते हैं फैनर रोड की तरफ, आपको मुकम्मल दिखा कर फिर आपको बताता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी का और क्या काम करवाने जा रहा हूँ। तो आए चलते हैं, मुकम्मल दिखा कर फिर वो भी आपको दिखाते हैं। फैनर रोड की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी का पानी लगना शुरू हो गया, अब समझ लें कि थोड़ा सा एंड हो गया। अब आपको दिखाना है कि ये कैसी गाड़ी मेरी वॉश हो गई है, ऐसी हो गई है कि जैसे 0 मीटर शोरूम से अभी आई। आपको कुछ नजर भी आ रहा होगा, देखने में भी पता लग रहा होगा, बड़ी तसल्ली से काम करते हैं यार। तो गाड़ी ऐसे अगर सर्विस अच्छी हो जाए, अच्छा मैकेनिक, अच्छा डेंटर, अच्छा पेंटर, अच्छा कोशिश वाला, अच्छा कोई भी काम करने वाला मिल जाए ना, तो गाड़ी को तो फिर पर लग जाते हैं। तो ये खान साहब लगा रहे हैं, अभी आपको मुकम्मल करके इसी वीडियो में पूरा दिखाता हूँ कि कैसे गाड़ी वॉश करवानी है आपने। तो इसके अलावा फिर आपको बताता हूँ कि इसका क्या काम करवाना है सेंटर अपनी का। तो इस साइड से भी थोड़ा सा हो रहा है, पीछे वाली साइड से भी साथ साथ काम मुकम्मल हो रहा है। अब समझ लें कि मैं जाने लगा हूँ इधर से अगला काम की तरफ, जाके आपको दिखाता हूँ साथ साथ के क्या इसका काम करवाते हैं और कैसे इसको, मैंने एक दो इसके ताले खराब है वो चेक कराने, उसके बाद फिर चलते हैं अपनी शॉप से। तो वहाँ जाके आपको बताते हैं कि इसका क्या करते हैं। लिफ्ट पर गाड़ी जा रही है ऊपर, जैसे हवा में जा रही है, तो आप नीचे से पूरी ये सर्विस करेंगे, ये देखें नीचे से गाड़ी की क्या हालत बनी हुई। तो जहाँ जहाँ पानी लगा रहे ऐसे हो रही, जैसे अभी ये 0 मीटर है। तो आप देखोगे, ये दिखाने का ये मकसद है कि ऐसे तसली से सर्विस कराएं, गाड़ी में मिट्टी ना रहे, क्योंकि मिट्टी जंग पकड़ती है, तो जंग नहीं लगाना चाहिए आपकी गाड़ी को, ठीक है। तो ये मैं तो बड़े तसली से ये देखें वॉश करवाता हूँ नीचे से। आप देखें कि जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ, ऐसे नीचे से गाड़ी लग रही है कि साफ़ सुथरी। तो आए परली साइड से भी आपको साफ दिखाता हूँ। तो इस साइड से भी अंदर से आप देखें कि क्या हालत थी इसकी। तो आए चलते हैं, गाड़ी मुकम्मल हो गई, आपको बाहर दिखा। सामानी भरी हो गई जी, तैयार, अब वॉश हो गई है, वॉश करवा ली हमने बिल्कुल ऐसे। ये देखें 0 मीटर लग रही है आपको। कैसी लग रही है मेरी गाड़ी, पहले कैसी लग रही थी तो अब कैसी लग रही है। तो ये हमने करा ली है वॉश, अब हम चलते हैं इसका अगला काम कराने जाना है शाहर भाई को, थोड़ा सा दिखाना है मैकेनिक को, क्योंकि जो मेरे मैकेनिक है, तो अंदर से थोड़ा सा साफ करवाएंगे, होता आपको चेक कराते कैसे वॉश। और तहड़ी खैर यो जी, ये देखें जी, अब ऐसे 0 मीटर होता, अभी कपड़ा लगेगा ऐसे 0 मीटर निकल आएगा। मेरा जेन्युइन इंजन है, जेन्युइन गाड़ी है। तो आप देखें कि कैसा लग रहा है आपको। तो आए चलते हैं अब मैकेनिक के पास जाना है शाहर भाई के पास, उससे थोड़ा सा काम करवा के, तो आप देखें अगले व्लॉग में आपको दिखाते हैं कि मैं इसका अब क्या काम करवाने जा रहा हूँ। तो अंदर से मेरी गाड़ी का इंटीरियर देखें कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि बिल्कुल जेन्युइन 0 मीटर मैंने गाड़ी रखी हुई है, ठीक है जी। सीटें मैंने कपड़े की पोशी, ऊपर कपड़ा लगाया है, साइड पर रैगजीन लगा हुआ है, और अंदर से आप गाड़ी देखें मेरी कि जैसे ये अभी 0 मीटर शोरूम से आई है। तो इस तरह हमने गाड़ी रखी हुई है सेंट्रो 2007 मॉडल की। आप डैशबोर्ड देखें, गत्ते देखें, तो आए आपको बकाया भी दिखाते हैं। तो हम आ गए जी शाहर भाई के तफाक ऑटो की तरफ गाड़ी अपनी लेके। इनके पास पहले ही एक सेंट्रो खुली हुई है, ठीक है, उसका भी कोई काम वगैरह कर रहे हैं। शाहर भाई बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम शाहर साहब, आ जाओ। तो इनका भी ये पीको रोड पे न्यू इत्तेफाक ऑटो अलाइनमेंट व्हील बेल्टिंग का काम है, और अच्छे मैकेनिक है, मेरे तो मैकेनिक ये हैं। शाह साहब जरा चेक करो भाई, रेस बड़ा एक्स्ट्रा हो रही है। एक और सेंटर इनके पास लगी हुई, मन्ना भाई लगे हुए हैं, चेक कर गड्डी सही वाश हुई है, बिल्कुल बेहतरीन हो गई माशाल्लाह, तो चेक करिए यार रेस। तो ये शाह भाई है पीको रोड में हमारे मैकेनिक है, बहुत अच्छे मैकेनिक है। सेंटर ये देखे एक लगी, अलाइनमेंट व्हील बेल्टिंग का काम है, न्यू इत्तेफाक ऑटो का इनका ये बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये गाड़ी का भी काम कर रहे हैं। एक और सेंट्रो इनके पास पहले हमारे से, ये इसकी ट्यूनिंग कर रहे हैं, टाइमिंग वगैरह कर रहे हैं, टाइमिंग बेल्ट वगैरह डाल रहे हैं। तो आए अगले वीडियो में आपको मजीद इन्फॉर्मेशन देंगे।